देखो अजी रही ले बात कर लो हमारी का गंदी जा मिले बात कर। हेलो हेलो हाँ ये घाम पर रह गया भाई ये अजय नायता सावे रही लाई नायता सावे रही लाई। तो गाइस दोस्तों राम राम और सब कैसी हो आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। अभी हम जा रहे थे उधर समोला में एक निमंत्रण था सोनी की दीदी के घर पे लेकिन हमारे विवेक की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। दवा तो मैंने दिलवा दी है इसको अभी देखते हैं इसको थोड़ा सा आराम मिल जाए अब जाना तो पड़ेगा मैं लेकिन ये है कि मैं वापस आ जाऊँगा अभी एक दो घंटे में इसके साथ में रहना पड़ेगा। आज वीडियो बनाने का बहुत मन था बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो बना था आज लेकिन आज का वीडियो कुछ ऐसा ही आती है किसी ना पता नहीं कैसे नज़र लग जाती क्या कोई ना कोई बीमार हो जाता है। रोई करवाते हैं जल्दी से ये जाओ दवाई खाते रहे टाइम दे वाला और डिब्बा दाम बावन है भैया। दोस्तों अभी विवेक को दोबारा से पहुंचा दिया डॉक्टर के पास पापा जी लेके गए हैं और अभी हम चलते हैं थोड़ा वो निमंत्रण आया है तो उधर भी चलते हैं और बस अगर सोनी रुकना चाहेगी तो रुक जाएगी मैं आ जाऊंगा बच्चे के पास। बुआ और सोनी दोनों को मैं लेके जा रहा हूं और श्री गोपाल और मानव राज यशोदा ये बाइक निकाल रहे हैं अपनी बाइक से चलेंगे और एक बुआ को योगेश ले गया वो स्कूटी पर मामा वाली स्कूटी थी ना वो छोटी वाली वो स्कूटी का बिक्की थी उस पर बिठा के ले गया है बुआ को। ऐसे तो लोकल एरिया है और वो धीमे धीमे चल रही थी इसीलिए नहीं तो मैं उसको चलाने नहीं देता वो बिल्कुल धीमे धीमे चलती है 20 की स्पीड पर साइकिल जैसे इसीलिए लेके गया। अभी श्री गोपाल निकल गया और हम भी चलते हैं दोस्तों बुआ बैठ गई सोनी भी बैठ गई तो चलिए। दोस्तों अभी बतासे लेकर आए जब कभी आत्म शांति भोज में जाते हैं तो हमारे यहाँ बतासे लेकर जाते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए समोला गांव में आज काफ़ी भीड़ भाड़ तो हो रही होगी। यही गाड़ी लंबी है ऐसी मोड़ने पे दिक्कत करती है श्री गोपाल आएगी काफी भीड़ हो रही है क्यों अंदर तक ले जाऊं नहीं मैं तो बनी है तो देखो उनकी उनकी बहन सामने ही खड़ी है इंतजार कर रही है। राम 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 चलो जब मुलाकात कर लो जब बुआ संग सोनी बुआ संग ले चलो आगे घर पे। और योगेश योगेश किधर है बुआ वंदे संबंध पहले आ गई है और जान भीड़ तो बहुत आ रही है घर में बैठाएगा उधर जाने के लिए इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी जब ये निकलने देंगी पूछ अरे 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 लेकर जान रहे इधर प्रोग्राम चल रहा है राम राम देखो इधर काफी भीड़ भाड़ चल रही है और इधर देखो अभी सोनी के भाई भी बैठे हुए हैं और सर राम राम ये देखो हमारे साडू भाई बैठे हैं और सोनी के भाई बैठे हैं उधर इधर भोजन पानी चल रहा है सब जो पुआ खीर सब्जी जो होता है दावत का आत्म शांति भोज तो काफ़ी बड़ा पंडाल लगा हुआ है यहाँ पे भोजन बना है ये इतनी बड़ी बड़ी भट्टी देख रहे हो ये वाली भट्टी उधर जो पच रखी है वो पुआ वाली है और उधर सब्जी वाली है और इधर हलवाई वगैरह लगे हुए हैं और
दाल सब्जी खीर और रायता। दोस्तों हमारे राजस्थान में ना ऐसे कुआ होते हैं पक्के वाले जो एकदम खंडा की चिनाई होती है, और ये देखिए इसके अंदर अभी भी पानी है और समट डली हुई है। यहीं से पानी जा रहा है दावत के लिए। ओ ये बहू है, चलो तो हमारे घर अब आराम से जय खा के और छज्जे पे बैठ गई है। अरे ये देखो पूरा समोला गांव आपको दिखाऊं छत से। ये बरगद का पेड़ छाया के लिए, और इधर पूरा खेती है पीछे। क्या है? संगीता। संगीता। और ये रागनी। बारन कोले को, ये बारन कोले को है बाबा। बाबा खत्म हो गए थे ना इनके, तो इनके बाबा ले गए इनके बालों को, इसलिए मुंडन कराती है। चलो निकल लो, आओ चले हैं वो घर को। चलिए दोस्तों अभी हम घर पे चलते हैं और सभी को लेके चलेंगे। सभी चलो, शिवानी बाय बाय कर रही है। शिवानी टाटा बाय बाय। पटर पटर को योगेश। इसकी वजह से दोस्तों उधर मन हमारा मन नहीं लग रहा था, तो हम तो वापस आ गए। विवेक को दवा भी दिलवा दिए, उसको बुखार आ गया बहुत तेज, और उल्टी भी हो गई 2-3 बार। इसको मेरे को लग रहा है लू लग गई, और मैं लाया था जब भी मैं इसको बोल रहा था एकदम ढक के ले चल, लेकिन फिर भी इसको लू लग गई शायद। अभी दवा तो दे दी है इसको, 2-3 बार उल्टी हो गई। इसी की वजह से फिर हमारा मन नहीं लगा, मैंने चलते हैं घर पर। पता नहीं हो क्या रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। कैसी आंधी आ रही है आज रात में। दोस्तों अभी विवेक को थोड़ा आराम मिल गया है, और इस समय 12 बज गया, देख सकते हो 11:48 हो रहा है। इसकी गर्म जो पट्टी है उसको बार बार बदला है। दोस्तों अभी विवेक को थोड़ा आराम मिल गया है, इसको जो बकरी का दूध होता है ना, बकरी का दूध भी लाए, वो इसके हाथ पैरों से घिसा था। और उसके बाद में जो प्याज होती है, प्याज का अर्ग निकाल के फिर उसको लगाया। बहुत टाइम से घिस रहे थे। अभी उधर हम गए थे तो इसके माई मामा वो भी आए थे, तो वो भी काफ़ी टाइम से इधर बैठे थे, और अभी सब बाहर बैठे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद नाते रिश्तेदार आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमारी मम्मी और हमारे परिवार वाले यशोदा सभी लोग, सोनी वगैरह, ये सभी बाहर बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बतरामन चल रही है। और इसकी वजह से थोड़ी टेंशन हो गई थी, तो कोई नहीं, आप सबका प्यार है, जल्द से जल्द सही हो जाएगा वैसे तो, लेकिन थोड़ी टेंशन तो होती है। लेकिन अभी इसका बुखार बहुत कम हो गया है, तो अभी अच्छे से सो रहा भी है। कुछ अचानक बड़बड़ाता भी है, पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है, लेकिन अभी सही है। थोड़ी दुआ करो भगवान से जल्द सही हो जाए। पता नहीं इसको नज़र लग गई या लू लग गई, मेरे को लग रहा है इसको लू लग गई। अभी योगेश भी देखो जाग रहा है, 12 बज रहे हैं, अभी ये भी जाग रहा है। सभी लोग बात कर रहे हैं उधर, उसके माई मामा आए हैं तो उसको भी बहुत खुशी हुई, ये भी अपनी सेवा पानी में लगा हुआ था। लेकिन हमारा विवेक, इसको मैंने बोला कि तेरे माई मामा आए तो बोलने लगा, माई मामा आए किधर हैं, चुपचाप से बोल रहा था कहाँ हैं। तो मैंने बोला उनसे कराए इधर बैठे, फिर तो उसको भी काफ़ी अच्छा लगा, जब से इसको थोड़ा आराम मिलता गया है और अभी आराम है। चलो थोड़ा आपको दिखाऊं, देखो खुले आसमान के नीचे इधर सभी लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। हाँ तो तुम तो अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं अभी सभी, कब सोएंगे फिर। नहीं और कहता सभी लोग चौंक गए, बोल रहे इस समय रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने कि मैं क्या करूं, मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी, और आप सबसे बात करने कब बात करता हूं तो थोड़ा मन खुल सा जाता है और अच्छा भी महसूस करता हूं।
मैंने सभी लोगों को दिखाया, बोल रहे थे हमने आधे कपड़े पहने, किसी ने पूरे कपड़े पहने, हंसने लग गए। आपने तो सब देखा। तो फिलहाल अभी हम आराम करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।